हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीईडी सीईटी के बारे में, लाइक व्हाट इज एपीईडी सीईटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस अथॉरिटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का। अगर आप लोग इस एग्जाम को देते हो तो कौन से कोर्सेज एंड किस यूनिवर्सिटी में आप लोग का एडमिशन मिल सकता है आसानी से, तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या है एपीईएच सीईटी। सो एपीईएच सीईटी स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एग्जाम के थ्रू, इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आपको यूजी लेवल के कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए खाली ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आप लोगों को इस एग्जाम के थ्रू बीएड कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप लोगों को आंध्र प्रदेश स्टेट में एडमिशन चाहिए, आंध्र यूनिवर्सिटी में या उसके साथ एफिलेटेड वेरियस न्यूमरस यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन चाहिए फॉर बीएड प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बात कीजिए एग्जाम कंडक्ट कौन कौन करता है, तो गैस एग्जाम कंडक्ट आंध्र यूनिवर्सिटी के विशाखापट्टनम के थ्रू ही कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, बट जो है एपीएससीएचई के बिहाफ पे आंध्र यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराती है। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाता है, एग्जाम आप लोगों को ऑफलाइन मोड में कनेक्ट कराया जाता है। सो गाइस, ये तो थी एपीईएचसीईटी की जो है डिटेल्स के होता क्या है एक्चुअल में एग्जाम। अब अगर आप इस एग्जाम के बारे में और डिटेल जानना चाहते तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसका जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, विच मीन्स एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा उन 4 ऑप्शन में से। और बात की जाए आप लोगों की यहाँ पे मार्क्स की, तो टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में फॉर 150 मार्क्स, विच मीन्स हर एक सही आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे भारतीय नागरिक रहने चाहिए, इंडियन सिटीजन आप रहने चाहिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट रहने चाहिए, लोकल एंड नॉन लोकल स्टेटस को आप यहाँ पे जो है वेरीफाई करनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। अब इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन किया हुआ रहना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे बीएड के प्रोग्राम के लिए। सो गाइस यहाँ पे अब तक इस वीडियो में हमने जो है एग्जाम के बारे में जान लिया, आप लोगों को शॉर्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न बता दिया हूं, लेकिन अगर आप लोगों को और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर या फिर एग्जाम पैटर्न या सिलेबस एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।